जो आपके पेज नंबर 1 पे दिए गए है। तो क्वेश्चंस है, सबसे पहले होगा क्लोजर अंडर एडिशन। हम एडिशंस के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी वाले। 17 + 23 = इट्स टू इजी। 17 + 23 हम जानते हैं, 17 + 23 = 40 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -10 + 3। अब देखो, एक माइनस का है, एक प्लस का है, प्रॉब्लम आ गई। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जब दो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक अच्छा लड़का और एक बुरा लड़का है, वो एक साथ बैठते हैं तो उनके बीच में क्या होगी? फाइट होगी। अब माइनस और प्लस है, ये दोनों अलग कैटेगरी के हैं, तो इनके बीच में भी फाइट होगी। इनका क्या निकालेंगे? सब्ट्रैक्शन। 10 - 3 = 7। हमने 7 लिख दिया, पर रूल कहते हैं किसी को भी लगा लो, जो सब्ट्रैक्शन कर लो तुम, पर जो बड़ा होगा उसी की चलेगी, जो बड़ा होगा उसकी चलेगी। तो बड़ा कौन है? 10। साइन किसका लगेगा? 10 वाला। तो 10 पे किसका साइन लगा? माइनस का। हम लिखेंगे -7। आंसर हो गया हमारे पास -7। अगला थर्ड क्वेश्चन, -75 + 18। ये तो फिर से एक रिश्तेदार हो गया और दूसरा पड़ोसी हो गया। अब इनके बीच में क्या होगी? फाइट हो जाएगी। फिर हम इनका निकालेंगे सब्ट्रैक्शन। इनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 57। अब बड़ा कौन है? चलेगी किसकी? बड़े वाले की। बड़ा है 75, इस पे किसका साइन है? माइनस का। आ जाएगा -57। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 + -25। ये तो फिर से अलग अलग दोस्त निकले, इनको फिर से हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। बड़ा कौन सा है? 25 में से हम 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 6। अब ये बताओ, बड़ा है 25, बड़े में किसका साइन है? माइनस का। तो हम यहाँ लिखेंगे -6। अब ये देखो, 25 + -25, अभी है तो अलग, पर इनके नंबर सेम है, इनके नंबर सेम है, क्या होएगा? जनरली आप जानते हो, एक प्लस का एक माइनस का, सब्ट्रैक्ट होंगे। 25 में से 25, 25 में से 25 जाएगा, हमारे पास बचेगा 0। साइन किसी का भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर है। प्लस का है,
और एक माइनस का है, जैसे प्लस सेवन माइनस टू माइनस नाइन। तो दोस्तों सिमिलर बात है, एक प्लस का एक माइनस का, इनके बीच में होएगा सब्ट्रैक्शन, इनके बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे। और अगर एक माइनस का और दूसरा प्लस का है तो भी इनके बीच में होगा सब्ट्रैक्शन, पर साइन चलेगा बड़े वाले का। तो मैं आपको बताऊंगी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सेवन माइनस नाइन, अब एक प्लस का एक माइनस का, देखो ये छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर, क्या होगा सब्ट्रैक्शन होएगा, ठीक है। अब ये बताओ नाइन में से सेवन जाएगा, बचेगा टू, साइन किसका चलेगा, माइनस वाले का, माइनस टू। अब अगला है सेवनटीन माइनस माइनस ट्वेंटी वन। देखो दोस्तों वही कंडीशन आई जो मैंने आपको बताई थी, माइनस माइनस मिलके बनेंगे प्लस, दो बार माइनस आया, प्लस हो जाएगा सेवनटीन प्लस ट्वेंटी वन को हम कर देंगे, कितना आएगा थर्टी एट। इधर यहां मैंने लिख दिया थर्टी एट, ठीक है। अब क्या हो गया, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, साइन आएगा प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस एट माइनस माइनस फोर्टीन। अब ये दो बार माइनस आ गए, बनेगा प्लस, माइनस का एट प्लस का फोर्टीन, क्या आएगा। देखो दोनों फ्रेंड्स नहीं है बिल्कुल भी, इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। फोर्टीन में से अब हम माइनस करेंगे एट को, अब फोर्टीन में से हमने एट माइनस किया है हमारे पास सेवन, सिक्स। फोर्टीन में से एट सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया सिक्स, यहाँ ने सिक्स लिख दिया। अब साइन किसका आएगा, प्लस वाले का, प्लस सिक्स इज द आंसर। नेक्स्ट माइनस ट्वेंटी वन माइनस माइनस टेन, अब क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर बनेगा प्लस, माइनस ट्वेंटी वन और प्लस टेन, ठीक है दोस्तों। अब ट्वेंटी वन में हम टेंथ को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ट्वेंटी वन में से टेन जाएगा, कितना आएगा मेरे पास इलेवन, कितना आएगा मेरे पास इलेवन, क्या हमने लिख दिया इलेवन, ठीक है। इलेवन लिखने के बाद कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ट्वेंटी वन, किसका साइन आएगा माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू माइनस माइनस सेवनटीन, दो बार माइनस है प्लस हो जाएगा, थर्टी टू प्लस सेवनटीन, अब हम थर्टी टू में सेवनटीन को ऐड करेंगे, कितना आएगा फोर्टी नाइन, 49 आ गया। अब कौन सा बड़ा है, 32, कौन सा निशान है इसमें प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस 18 प्लस माइनस 8, अच्छा दोस्तों देखिए दोनों क्या है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड, 36 आ गया, 36 हम लिख देंगे, अब साइन होगा माइनस का, माइनस 36। नेक्स्ट माइनस ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी नाइन प्लस जीरो, अब देखिए दोस्तों ट्वेंटी नाइन में से जीरो जाएगा तो माइनस ट्वेंटी नाइन ही होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइनस ट्वेंटी नाइन। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताई क्लोजर प्रॉपर्टी, अब मैं आपको बता देती हूँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दोस्तों देखिए मैं आपको बता रही हूं ये वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, देखिए ए और बी, ए प्लस बी, अगर ए बी है, ए प्लस बी अगर ए बी है तो B प्लस A B A होगा, आंसर दोनों को आने वाला है सेम, आपको
सेम आंसर आया है। जब कोई दो नंबर्स हो उन्हें हम जोड़ें और फिर हमारे पास दो और नंबर्स हो उन्हें हम जोड़ें तो उस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। अगर हम किसी नंबर का उल्टा करते हैं तो जैसे 2 + 3, ठीक है, इसको हमने जोड़ लिया, 5 आ गया। अब 2 + 3 में अगर हम कर दें 3 + 2 तो भी 5 ही आने वाला है, बदलने वाला नहीं है। अब मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और समझा देती हूँ। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताऊंगी। Yeah.
और अगर डिफरेंस की बात करें हम यहाँ पे लिखते हैं -6 -4 तो भी -10 ही आएगा, और अगर लिखे -5 -5 तो भी -10 आएगा। अब सम इज 0, एग्जाम्पल -1 -1 and +1 -2 +2 और -2 +2। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, राइट डाउन पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8, हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब हम तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, -2 -2 +10 -2 +10। देखो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ, सॉरी +2 -2 +10। हम 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ गया हमारे पास, बड़ा कौन है 10, 10 में निशान है 5 प्लस का, तो हम लिखेंगे +8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन पेयर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5, हुज सम इज -5, तो इसका आंसर मैं लिख रही हूँ इधर। तो दोस्तों +2 -2 and -3 -2 and -3, देखो 3 में +2 करेंगे 5 आ गया, माइनस का निशान हम लगा देंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों मैं आपको कराने जा रही हूँ सी पार्ट, राइट अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, -1 -1 and 8 लगा देंगे माइनस का 2, दोनों फ्रेंड्स हैं 2 + 1 = 3, साइन होगा हमारा माइनस का, और हम कह सकते हैं -5 + 2, दोनों डिफरेंट है, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा हमारे पास, 3 लिख दिया, कौन सा बड़ा है माइनस वाला, -3 आएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40 10 and 0 एंड टीम बी स्कोर -10 0 and -14, इन 3 सक्सेसिव राउंड्स राइट टीम स्कोर व्हिच टीम स्कोर मोर एंड कैन वी से दैट वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो दोस्तों हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, टीम ए -40 + 10 + 0। अब दोस्तों 2 प्लस के ऐड कर दिया तो 10 ही रहेगा हमारे पास, -40 + 10 दोनों डिफरेंट है, हम इन्हें माइनस करेंगे, -40 + 10 डिफरेंस होगा 30 का, अब किसका साइन आएगा बड़ा कौन है माइनस, तो आएगा आंसर -30। टीम बी स्कोर -10 + 10 + 0 + -40। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, दोस्तों हम दो साइन एक साथ कभी भी यूज नहीं कर सकते, अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तभी हम दो साइंस को यूज कर सकते हैं। अब इनका सम कितना होगा 10 का, 10 रहेगा दोनों के बीच का डिफरेंस, 40 में से 10 जाएगा 30 और
कौन सा बड़ा है साइन माइनस का, तो आ जाएगा माइनस 30. Both team scored equally. Another order. In another order. Both team has scored equally, -30 and -30. And we can write the integer in another order. हम integer को किसी और order में भी लिख सकते हैं. तो दोस्तों ये है question number 4 का first part. -5 + -8 = -8 + -. अब दोस्तों देखो यहाँ क्या missing है, -5 missing है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे वापस से, ये कौन सी property है, commutative property. हम यहाँ लिखेंगे -5. ये हो गया -5. -53 + -. दोस्तों अगर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो उसी के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे इतना तो पक्का है कि हाँ 53 आएगा, पर प्लस यहाँ -53 है और यहाँ पर आएगा हमारे पास 0. -53 + 0. अब -53 में 0 माइनस करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, -53 ही आएगा. 17 + - = 0. अब दोस्तों एक चीज तो पक्की है, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है. तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस. यहाँ क्या आएगा हमारे पास, माइनस का नंबर. हम यहाँ लिख देंगे -17. इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के 0 आ गया. 30 + -12 + -13 + -12 + -7. क्या मिसिंग है, -7. बस कॉपी पेस्ट कर दो जो मिसिंग है, -7. तो आ जाएगा हमारा आंसर. तो आज मैंने आपको मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवा दी. आगे मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट करवा दूंगी. हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे आई एम हियर टू टीच यू द चैप्टर इंटीजर्स. तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं इंटीजर्स का चैप्टर और उसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज 1.2. So let's begin our interesting video. Let's begin. So the first question is, find each of the following product. So what will we do? Friends, if we will see that it is written one time minus negative number, means one time written negative number and other is positive number, and we have to multiply. So what we will, which sign we will use? If it is greater, we will use minus sign. If two signs of minus are written, so plus. If three signs of minus, minus. If four signs of minus, plus. And so on. Like this. So the question is, 3 × -1, what we will do? 3 × 1 = 3. And how many times a negative number written? One time. So what we will do? Minus sign written. -3 is the answer. Next, B part. -1 × 2 = 25. It's too easy. अगर हम किसी number को 1 के साथ multiply करते हैं तो वो same number ही आता है. तो हम तो यहाँ लिख देंगे 225. But which sign we will come? Will come because there is one negative number, so we will use minus sign. So answer is -225. So the next question is C part.
minus 21 into minus 30. Minus 21 into minus 30. So friends, सबसे पहले हम 21 into 30 करेंगे. 21 को 30 से multiply कर देंगे. तो यहाँ 0 आ जाएगा. So it will come 0 and 3 will come and then 6 will come. 630 आ गया हमारा यहाँ पर. It's easy. अब क्या कौन सा sign आएगा? दो बार minus का sign है, मतलब दो negative numbers है. क्या आएगा? Minus minus मिलके plus बनाएंगे. तो इधर आएगा plus 630. Plus 630 is answer. Next question is D part. Minus 316 into minus 1. So what we will come? 316. But how many times negative number is written? 2 times. So what we will come? Plus 316. सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ. जहाँ प्लस हो आपकी मर्जी है, चाहे प्लस का साइन यहाँ पे लिखो चाहे मत लिखो, तब भी आंसर आपका करेक्ट ही रहेगा. तो दोस्तों, ई पार्ट है हमारा माइनस 15 इंटू 0 इंटू माइनस 18. अब फ्रेंड्स क्या होगा, किसी नंबर को हम अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते क्या आता है? 0 आता है. तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहेगी, यहाँ पे भी आएगा 0. Zero is the answer. Next question is F part. Minus 12 into minus 11 minus 10. अब दोस्तों क्या करोगे? 12 को सबसे पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करो. 120 आ गया. अब 120 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दोस्तों 120 10 से कितना होता है? 1200. अब उसके 1200 में आप 120 और ऐड कर दो. 1320 यहाँ पे आ गया. 1320 तो वो हो जाएगा 11. अब दोस्तों क्या करोगे आप? माइनस माइनस माइनस, थ्री टाइम्स माइनस का, थ्री टाइम्स माइनस का निशान है. तो अब हम क्या करेंगे? माइनस का निशान ही लगाएंगे. सो माइनस 1320 इज आंसर. इफ दोस्तों यहाँ पर प्लस 10 होता, अगर यहाँ प्लस 10 होता तो क्या होता? यहाँ पर दो डिजिट हो जाती माइनस की. तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बना लेते हैं, और प्लस तो प्लस ही होते हैं. तो यहाँ पे प्लस 1320 आ जाता. जी पार्ट. सो दोस्तों अगला पार्ट है हमारा जी पार्ट. 9 इंटू माइनस 3 इंटू 6. 9 into minus 3 into minus 6. क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम दोस्तों सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो. 9 6 are 54, 54 3 are 162. यहाँ मैं लिखती हूँ 162, ओके? अब यहाँ 2 times my subtraction का sign है. 2 times minus का sign है. तो क्या करेंगे हम? माइनस और माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं. तो आ जाएगा प्लस 162. और अगर आप प्लस ना भी लिखोगे तो 162 भी आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट पार्ट एच पार्ट. माइनस 18 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 4. आप दोस्तों क्या करोगे? 18 5 जा और इंटू 4. अब अगर हम बात करें 18 इंटू 5 इंटू 4 कितना होगा? 360. अब यहाँ पर 3 times subtraction का sign है, तो क्या होएगा? अगर 3 times subtraction का sign होता है तो minus आएगा. Okay. Next question. I part. Minus 1, minus 2, minus 3 into 4. अब देखो दोस्तों क्या है? 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24. तो यहाँ हमने लिख दिया 24. ओके, अब दोस्तों 3 टाइम्स माइनस का साइन है, तो क्या हम करेंगे? माइनस लगाएंगे. माइनस 24. माइनस 24 इज आंसर. नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज डी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन.
माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन। अब दोस्तों सबसे पहले 36 अब अगर हम करेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 36। ओके 36 आ गया। अब 36 आने के बाद यहाँ पे 4 टाइम्स माइनस का साइन है, तो क्या कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन। और अगर हम प्लस का साइन ना भी लिखे तो 36 भी आंसर हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब मैं पढ़ती हूँ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई द फॉलोइंग, और इसका ए पार्ट है 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3। तो हमें इसे वेरीफाई करना है, हमें इन दोनों को इक्वली बताना है। तो क्या है ये इक्वल है या नहीं है, हमें ये बताना है। इस साइड को हम मान लेंगे LHS। क्या मानेंगे? LHS, लेफ्ट एंड साइड। इस साइड को मानेंगे राइट एंड साइड। हो गया दोस्तों। अब ये 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस का निशान आएगा। तो दोस्तों अब अगर बात करें 18 इंटू, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। सो फ्रेंड्स 18 इंटू, अब क्या होगा दोस्तों? 7 एंड माइनस 3 हो गए। अब क्या होगा अगर हम इनको माइनस करेंगे? दोनों अलग नंबर से, इनके बीच में होगी 5, क्या आएगा? 4 आएगा। आप कौन सा बड़ा है? प्लस बड़ा है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ गया? 4। 18 into 4 is equal to 72। तो ये सबसे पहले हमारा आ गया 72। अब अगले पार्ट में हम देखते हैं 18 into bracket start, big bracket start, 18 into 7, big bracket close plus bracket start, big bracket start, 18 into small bracket start minus 3, small bracket close, big bracket close। So friends अब हम इस question को solve करने जाएंगे। तो सबसे पहले friends 18 into 7 कितना होता है, हम यहाँ पे solve करके देख सकते हैं। 18 into 7 56, 126। 18 into 7 होता है 126, and plus हम इसमें add करेंगे, what we will add? 54, but it will come minus 54. How friends? 18 into 3 54 होता है, और एक minus की digit है, तो यहाँ पे minus 54 आएगा। Now we will solve it. 126 minus 54. 126 minus 54 will become 72. So it's verified that LHS is equal to RHS. Hence verified. So friends, our next question will be minus 21, small bracket start, minus 21 into big bracket start, small bracket start minus 4, small bracket close plus small bracket start minus 6, small bracket close, big bracket close is equal to big bracket start, small bracket start, minus 21, small bracket close into small bracket start, minus 4, small bracket close, big bracket close, plus big bracket start, small bracket start, minus 21, small bracket close into
small bracket start, minus 6 small bracket close, and big bracket close. So friends, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे. So friends, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करना है? इस ब्रैकेट को. ये माइनस 4 है, माइनस 6 है. इन दोनों को ऐड करने पे आया हमारे पास 10. और किसका निशान आएगा? किसका वो आएगा? माइनस 10 का. माइनस 10 का. तो दोस्तों ये माइनस 20 यहाँ जाएगा, माइनस 21 इनटू माइनस 10. इट विल कम दैट. एंड अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 210. माइनस माइनस मिलके बनाते प्लस. इज आंसर माइनस प्लस 210. नेक्स्ट पार्ट विल बी माइनस 21 इनटू माइनस 4 प्लस माइनस 21 इनटू माइनस 6. अब दोस्तों हम क्या करेंगे? माइनस 24 माइनस 21 में हम क्या करेंगे? इनटू 4 करेंगे. कितना आएगा हमारे पास? 84. और ये माइनस का निशान है, और ये माइनस का निशान माइनस माइनस मिलके प्लस बनाते हैं. प्लस 84 आ गया यहाँ पे, प्लस 84. और अगर आप ना भी लिखोगे तो भी ये सही रहेगा. अब हमें इसे ऐड कर देंगे. अब ऐड करने के बाद अगर हम बात करें कि 21 6 कितना होता है, अब 21 6 कितना होता है? 126. 126. अब माइनस 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 विल बी प्लस. प्लस 126. और ना भी लिखोगे तब भी सही जाएगा. अब इन दोनों को हम कर देंगे ऐड. इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आएगा 210. So it's verified that LHS is equal to RHS. Hence verified. So now, दोस्तों मैं बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ. So friends, now we will do the question number 3. Question number 3, first part is, for an integer a, what is minus 1 into a is equal to? So what will be the solution? Means, what we will find if we do minus 1 into a? What answer we will find? What we will find? Minus A. So minus A is the answer of this question. Next, determine integer whose product with minus 1 is. Now friends, minus 22. इसी तरीके से हमें product में values लगानी है. तो दोस्तों minus 1 तो लिख दिया. अब A की जगह हम क्या लिखेंगे? 22. So it will be minus 22. अब same way minus 1 लिखेंगे into A की जगह पे लिखेंगे. लिखेंगे माइनस 37 लिख दिया हमने. क्या आएगा? अब दोस्तों नोटिस करना, माइनस माइनस प्लस बनेंगे, प्लस 37 आएगा. और अगर आप प्लस 37 नहीं भी लिखते हो, 37 लिखते हो तो वो भी करेक्ट होगा, 37. और अगर दोस्तों यह प्लस होता तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता? माइनस 37. फ्रेंड्स जीरो. अब जीरो में भी वही वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1 into एक जगह क्या लिखेंगे? 0 is equal to what will be the answer? 0. So friends, इन्हीं को हम कहते हैं product. और हमने ये determine कर दिया है कि minus 1 is equal to product is equal to the same. तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं question number 4. Starting from minus 1 into 5, which product showing pattern to show minus 1 into minus 1 is equal to 1. हमें बहुत सारे pattern show करने हैं इसी की तरह. Let's solution will be minus 1 into 5 will be minus 5. Then minus 1 into 4
is equal to minus 4 and then minus 4 में हम अब क्या करेंगे, हम इस various product को add भी कर सकते हैं, पिछला number लिख दो and इसमें plus 1 कर दो तो minus 4 आ जाएगा. Next, minus 1 into 3 is equal to minus 3. इसमें भाई various product pattern minus 4 plus 1 is equal to minus 3. Then minus 1 into 2 into 2 into 2 minus 2 is equal to क्या होएगा, last digit लिख दो minus 3 और इसमें कर दो plus 1, क्या होएगा हमारे पास minus 2. Then minus 1 into 1 is equal to क्या होएगा हमारे पास minus 1, last digit लिख दो minus 2 plus 1 कर दो उसमें minus 1. अब next various product minus 1 into 0, what will become, what will become 0, what will come 0. So friends, ये मैंने आपको बता दिए कुछ various products, और भी बहुत सारे various products और patterns हो सकते हैं. Hello friends, तो आज हम करने जा रहे हैं integer के chapter की exercise number 1.3. तो 1.3 exercise का first question है, evaluate the following. अब हमें इन सबको divide करना है. Minus 30 divide 10. So 10 threes are 30 and one negative number is here, so what we will write, minus 3. Next question, 5 tens are 15, so one negative number is here, so we will write minus 10. So दोस्तों क्या किया था हमने, 5 को 50 से divide किया था तो हमें पास 10 आया था. Now friends, minus 36 divide minus 9. Bracket, small bracket start, minus 36 divide, small bracket start, minus 9, small bracket close. So friends, क्या होगा, 9 को divide, हमें 36 को divide करना है minus 9 से, minus 36 को, तो 9 4 36, हम यहाँ पे लिख देंगे 4. अब friends, 2 negative numbers है, तो हम 2 negative numbers होते हैं तो हम क्या करते हैं, plus लिखते हैं, और अगर हम plus नहीं भी लिखते, 4 लिखते तो भी ये correct रहेगा. Next, minus 49 divide 49. So friends, what we will come, what will become 49 divide by 49, 1 will come. Friends, हमने यहाँ पे लिख दिया 1. Which side will come? 1 negative number is here, so minus 1 will come. Minus 1 is answer. Next question, E part. 13 divide, big bracket start, small bracket start, minus 2, small bracket close, plus 1, small, big bracket close. So friends, what we will do? Minus 2 plus 1. They both are the different numbers. So what we will do? Subtraction. 2 minus 1 is equal to 1. So we will write 1. But which is greater? Minus sign. So we will write minus 1. And 13 divided by minus 1 we will do? 13 divided by minus 1? 13 will come. And which sign? Minus 13. Minus 13 is answer. Next question is 0 divided by minus 12. If 0 divided by any number is, we will call 0. So we will write here 0. Next question friends, G part. Minus 30, small bracket start, minus 31, small bracket close, divide by big bracket start, small bracket close, small bracket start, minus 30, small bracket close, plus small bracket start, minus 1, small bracket close, big bracket close, big bracket close. So friends, what will become? Friends, first we will solve the bracket. This is bracket, minus 30 minus 1, what will come, minus minus plus, so it will be 31. Okay, 31 friends.
Now, the sign of minus will come. Minus 31. It's minus 31 divide minus 31. Plus plus will make plus, minus minus will make plus, and then what will come? 31 divided by 31, we will get 1. It's equal to 1 is answer. Next question, friends, H part. What will come? Big bracket start, small bracket start, minus 36, small bracket close, and then divided by 12. Small bracket, big bracket close, divided by 3. So friends, what will come? First we will solve this. 12 threes are 36, and minus sign, minus 3. Minus 3 divided by 3, it will come 1, and then what sign will come? Minus, minus 1 is answer. This last part is big bracket start, small bracket start, minus 6, small bracket close, plus 5, small bracket close, plus 5, big bracket close, divided by big bracket start, small bracket start, minus 2, small bracket close, plus 1, divide, and then big bracket close. So friends, what will become? First we will solve this part. Minus 2 and plus 1. Minus 2 plus 1, what will come? Minus 1. Minus 1. And minus 6 plus 5, what will come? Minus 1. Minus minus will make plus. And what will become? 1. So friends, now we have done first question. Now I will move to the second question. तो फ्रेंड्स, अब मैं पढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन का ए पार्ट है हमारे पास. a equal to 12, b equal to minus 4, c equal to 2. फ्रेंड्स, we have to verify that a divided by b plus c and a divided by bracket start a divided by b bracket close plus bracket start a divided by c bracket close for each of the following equations are same. Each of the value a, b, c are same. अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, LHS लिखेंगे इधर, RHS. फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है? a की वैल्यू पुट करनी है 12 divided by bracket start minus 4 plus c plus 2. This is the equation. Friends, what we will do? First we will solve it. And it is, the both are the different numbers. One is positive, one is negative. What will come? 4 minus 2, 2, and with sign minus 2. 12 divided by minus 2. Then friends, 2, 12 is a 6. It's divided, 6 will come. And when, what we will write? Minus 6. So the answer came minus 6. The next hand side is a divided by b. B is, a is 12 divided by minus 4 plus divided by c. First a will come 12 divided by 2, small bracket will come here. So friends, now we will solve this equation. Friends, first we will divide the both the numbers. 4 threes are 12, we have written 3, but we will write minus 3 because one negative number is here. And then plus 12 divided by 2, 6 came. And then when we will minus it, so 6 minus 3, 3 will come, and with sign minus plus sign.
इक्वेशन में दिया है कि a डिवाइड बाय b प्लस c एंड a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू, दिस साइन रिप्रेजेंट्स नॉट इक्वल टू. सो वी वेरीफाइड दैट दे बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस वेरीफाइड. So the next question is, a is equal to minus 10, b is equal to 1, then c is equal to 1. We have to put the values as like I say. So friends, first we will draw a line for LHS, RHS, left hand side and right hand side. So friends, a divided by b plus c, a is equal to minus 10. Minus 10 divided by, sorry friends, it will come only minus 10 because it's written in the question. A divided by B plus C. B is 1 plus 1. We have to put the value. 1 plus 1 is equal to 2. Minus 10 divided by. Minus 10 divided by 2. So friends, 5. 2 5s are 10, but we will come 5 and then both sides will come minus sign, subtraction sign. So minus 5 came here. Next part hai hamara LHS ka, a divided by b, a is minus 10, minus 10 divided by b, b is 1 plus big bracket start and what we will write here, a value is minus 10 and divided by 1 we will write. So the equation made. Ab hum ise solve kare. To dosto jab hum ise solve karenge to so 10 divided by 1, what will come? 10 will come and with sign minus sign minus 10 plus 10 divided by 1 and again same minus 10. If we will solve them, so 20 will come and minus minus makes plus. So plus 20 will be the answer. And it is said in the question not equal to, and hence we verify that they both are not equal. Very right. मैं बढ़ती हूँ मेरे अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ. सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है पुल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट ए पार्ट है हमारा 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369. व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट 1. 369 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 369. Then B part is minus 75 divided by dash is equal to minus 1. Then what we will write? What we will write? 75. If we will divide minus 75, if we divide minus 75 divided by 75, so we will get minus 1. Then next is minus 206 divided by 206. But which sign? Minus 206 will come. Minus minus will make plus and 206 into 206 divided by 206 is equal to 1. 1 will come. Minus 87 divided by dash is equal to 87. Minus 87, 1 we will write. But which sign? Minus 5. Minus minus will make plus and plus 87 will come. E part is dash divided by 1 is equal to minus 87. Same question is here. It's written 1. But it's written 1. And what does it will be? Minus subtraction. So minus 87 will come. The next F part is dash divided by 48 is equal to minus 1. What will come? Minus 48. 48 divided by 48, 1 will come and the minus digit will become, so it will become minus 1.
positive negative will make negative. So we will write here negative. Minus tick. Next. At pi, dash divided by 4 is equal to minus 3. What we will write? Here 12. 12 divided by 4, 3 will come, but with sign. Subtraction sign. Positive will not make minus. Positive, negative will make minus. So I have written here minus. Now I will move to the next question. So friends, our fourth question here. Write any 5 integer a, b. That a divided by b will be minus 3. The pair is 6 minus 2 or 6 divided by minus 2 is equal to minus 3. Hame 6 divided by minus 2 or 6 minus 2 jaise pairs banane hain alag alag. So friends, what we will do? We will do, friends, it will come here divide. Okay, we have to make for the divides. Matlab hame divide ke questions banane hain. Jaise iska answer hai, let's suppose we will write 12 divided by minus 4. 12 divided by minus 4, what will come? 12 divided by 4, 3 will come. And minus sign, so minus 3 will come. Okay, minus 3. The next part will be 6 divided by minus 2. 6 divided by minus 2. So friends, it is also given here in this question. 6 divided by minus 2, what will come? 6 threes are, 2 threes are 6. Okay, so divided by 6 and then with sign, minus sign will come, minus 3 will be the answer. Next pair will be 9 divided by minus 3. What will come? 3 divided by 9, what will come? 3 will come. And then minus sign, so negative 9 number will be come, minus 3. Next question is 15 divided by minus 5. 5 threes are 15, 3 will come. And then what? Negative number. So what we will write? Minus. So in the last end, the mean is 3 divided by minus 1. Okay, friends, 3 divided by minus 1, 3 will come. But minus sign is here, so minus 3 will come. I will repeat this question. 12 divided by minus 4. 4, 3 is 12, 3 will come and then minus sign will come. Then 6 divided by minus 2. 2, 3 is 6, 3 will come and minus sign will come. 9 divided by minus 3. Minus 3, 3 will come and then minus sign will come. 15 divided by minus 5. So 5, 3 is 15, 3 will come and then minus sign will come. Last is 3 divided by minus 1 and then 3 will come and then minus sign will come. Now friends, our next question is question number 5. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0. If it decreases at rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature 8 degrees Celsius below 0? What would be the temperature at midnight? इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. हियर आर टू क्वेश्चंस. व्हाट टाइम वुड एट टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो जीरो एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. देयर आर टू क्वेश्चंस. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. फर्स्ट वी विल सॉल्व एट. So first, temperature at 12 noon was. Temperature at 12 noon. Answer. Yes.
one hour, the temperature decreases 2 degree Celsius. अदला बदली करते हैं तो
चीजें भी बदलती है, जैसे पॉजिटिव में नेगेटिव से अदला बदली कर रहा है तो पॉजिटिव की नेगेटिव के पास और नेगेटिव की पॉजिटिव के पास आ जाएगी। सो यहाँ पे आएगा माइनस टेन। देन हम इसे फर्स्टली ऐड कर लेंगे, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एट एंड टेन विल बी 18, बट साइन विल बी ऑफ माइनस, माइनस 18 विल बी द आंसर। देन व्हाट वी विल डू, वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, माइनस 8 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल, एक्स इज इक्वल, दिस इज हेयर एंड दिस इज हेयर, व्हाट इज लेफ्ट, माइनस 2, 2x। व्हाट वी विल डू, ट्रांसपोज अगेन, एक ट्रांसपोज अदला बदली करना, दूसरा ट्रांसपोज हम कहते हैं जब हम उसको एक्सचेंज करके उसे डिवाइड कर देते हैं। नाउ वी विल डिवाइड इट, एग्जांपल फर्स्ट व्हाट वी विल डू, माइनस एंड माइनस इज हियर, सो दिस माइनस विल कट एंड इट विल मेक प्लस, सो इट विल कम 18 हियर एंड इट विल कम 2 हियर, 2 इज 2, 2 9 इज 18, so here what comes 9, so at 9 pm the temperature was 8 degree celsius। we have one more method, हमारे पास एक और method है पर वो बहुत ज़्यादा long पड़ेगा, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ short में। जैसे at 12 noon was 10 degree celsius, after एक घंटे में 2 degree celsius कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, एट 1 o'clock इट विल बी 8 डिग्री सेल्सियस, मींस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, एंड देन व्हाट वी विल डू एट 2 o'clock देन इट विल बी 6 डिग्री सेल्सियस। नाउ लाइक दिस वी विल काउंट एंड वी विल गेट आवर आंसर, बट दिस मेथड इज शॉर्ट एंड दिस मेथड विल बी लॉन्ग। So now I will move to my next question. So friends, our next question is question number 6. In a class test, plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer and no marks for any question, means which question we have not attempted. So first question is our Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? Agar usne 12 answers correct kiye hain, to usne kitne answers incorrectly kare? Second part is Mohini scored minus 5 in this test. Mohini ke minus 5 aaye is test mein. Do she got matlab use 7. Matlab she got 7 correct answers. Aur usne 7 correct answers kiye. Ji how many she attempted incorrectly? Usne kitne attempt sahi se nahi kiye. Incorrectly kiye. तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट लिखेंगे सीधा, राधिका स्कोर राधिका स्कोर इज 12 मार्क्स, एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ. When we are writing according to the question, so we always write ATQ. So we will write first 12. One question is of 3 marks. So we will write here 3 into 3. Then X into X. X because we have to find that how many she found incorrectly, and for incorrect answer how many marks get, minus 2. Here we will write minus 2. Okay, so what we will get, 12 3 is 36 and minus 2, and we don't know what is x,
and its value is given 20. It is given here 20. She got 20 marks. We will write here 20 first. Then 36 minus 2x. We will do 36 minus 2x here. Then what we will do? We will apply transposition. Minus 2x minus 2x first we will write here. And then 20 minus 36. 20 minus 36 we will write here. And now we will solve it. So here, first we will solve it. It is plus and it is minus. We will find out their difference. 36 minus 20, 16 here. And we will write minus 16. Minus 2x and minus 16. So minus will be plus. So we will write here plus 2x and plus 16. And then x is equal to 16 by 2. 2 is a 2. 2 is a 16. So Radhika attempt incorrectly are 8 questions. She attempted 8 questions incorrectly. Matlab she answered 8 questions incorrectly. Now I will move to the next question. So I said second part of this question we will do. Question number 6, second part. Second part, what is said in second part? Mohini scored minus 5 in this test. True. She got 7 correct answers. She got 7 correct answers. How many she attempted incorrectly? Means how many she answered incorrectly? We have to answer this. So first, we will write here incorrect. Incorrect answers. X. We don't know that how much she has incorrected. So we will write X here. Then A, T, Q. If you will not write, it will be right only. So first, what we will do? So she got 7 correct. She has corrected 7. We will write here 7. Then, for one correct question, we get plus 3. So, we will write into 3. Then, plus, we will write x because we don't know that how she has incorrected. Means, first multiply 7 into 3 means she has got or. She has corrected or for one question. So, and next multiply the incorrect one. So x into if you will not write into, it will be correct. So for incorrect answer, how much? Minus 2. We will directly write minus 2. Then how much we will get? Minus 5, because she has scored minus 5. You can't find this value. If you will see that 7 into 3, 21, 21 minus 2, it will not be answered. It is said in the question that Mohini scored that. We don't know the value of x, so we can find this value now. Then, what we will do? We will write first here 2. First, we will write here 21. Because 7 into 3, there will be 21. And then, minus 2. If we minus 2 into x, so it will be minus 2x. And what we will get? Minus 5 we will get. Now we will transpose it.
the formula of transposition that I have told you in the last question. It will be, what will write? -2x. Pali, we have write -2x. And then we will write here -5. Then the sign will change of 21. It will be minus. We will write here -21. And what we will find? What will be the answer? 26. -26 we will get. Minus will be cancelled. Minus will be cancelled with minus. So what we will get? Plus is equal to plus 2x. Plus 2x we will write. Then we have to find the value of x. So x will be, we will transpose 10. 26 divided by 2. 2 is a 2. 2, 13 is a 26. So friends, in this question, it is told that Mohini answered 13 incorrect questions and she answered 7 correct questions. So friends, now I will move to the next question. So friends, our next question is question number 7. An invalidator descends into a pipe shaft at rate of 6 billet. If the descent starts from 10 meter, it will come here meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? So friends, first we will solve this question. Total distance. Friends, it will come here plus 10 meter because it is above the ground level. But it will come here plus 350 means we will write here 350 plus 350 because we are in the above the ground level. We are above the ground level. So it will be plus 350. Or you can say if we will minus it. So if we have to find it. So friends, it is above the ground level. So we will write here plus 350. Plus 350. Not minus 350. So what will come? 360. And the speed is 6 minutes. So in 6 minutes. So friends, now we will find this question, that how long will it take to reach -350 meter. So the formula of time is distance upon speed. So what we will write? What is distance? 360. What is speed? 6. Then we will divide them. We will get 6 6 are 36. We will write here 6 and then 0. 36 ka and 0 left. So we will write here 0. 60 minute will come because we are doing of minute. It is 6 minute and 360. So it is 60 minute. 60 minute or we can say 1 hour. They both the thing are same. 60 minute or 1 hour is same. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.